मुंबई हमलों के मास्टरमाइंड हाफिज सईद ने अमेरिका की सख्ती के बाद चोला बदल लिया है। आज से वो अपने नए संगठन को लॉन्च कर रहा है, जिसके मकसद में कश्मीर का नाम जोड़ा गया है। अब जम्मू कश्मीर का नाम जोड़कर आतंक फैलाने की साजिश रच रहा है हाफिज सईद। अपनी इसी हुकूमत की अमेरिका के दबाव में नकेल के बाद हाफिज सईद ने बदल लिया है चोला। जमात-उद-दावा और फलाह इंसानियत का नाम बदलकर तहरीक आजादी जम्मू एंड कश्मीर किया। ये वही मौलाना हाफिज सईद है जिसकी सरपरस्ती में 2008 के मुंबई हमले हुए, जिसने इस हमले के लिए जिम्मेदार लश्कर तैयबा को खड़ा किया, जिस पर अमेरिका ने 60 करोड़ रुपए का भारी भरकम इनाम रखा, जो भारत के खिलाफ चंद रोज पहले तक भाषणों में जहर उगलता रहा। वही हाफिज सईद तहरीक आजादी जम्मू एंड कश्मीर के नए बैनर पर फिर करेगा जहरीली तकरीर। मकसद अमेरिका और भारत की आंख में धूल झोंकना और पाकिस्तान के शहर को नई शक्ल देना। ये उस ड्रामाई नजरबंदी को भी नजरअंदाज करने की कोशिश है जिसमें हाफिज को उसके घर में कैद कर दिया गया है। हाफिज पहले ही इसे मोदी और ट्रंप के दबाव में उठाया गया कदम बता चुका है। इस बीच लाहौर में पाकिस्तानी पंजाब के मुख्यमंत्री शहबाज शरीफ से गौतम बम्बावले ने मिलकर हाफिज सईद पर कार्रवाई का अपडेट लिया है। उनके साथ अमेरिका, यूरोपीय यूनियन और ऑस्ट्रेलिया के राजदूत भी थे।